दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे कि आप लोग फ्री में इंटरनेट कैसे चला सकते हैं VPN से। बहुत सारे VPN एप्लीकेशन थे जिससे आप लोग फ्री में इंटरनेट चला पा रहे थे। मैं ऐसा बोला चला पा रहे थे क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि इंटरनेट आप लोग नहीं चला पा रहे VPN के वजह से। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं उन सारे वीडियोस की, अभी ये कल तक चल रहा था, परसों तक चल रहा था, एक हफ्ता पहले तक चल रहा था, आज तक चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। मतलब सबका लगभग यही हाल है कि अभी इससे क्या हो रहा है कि VPN के जितने भी एप्लीकेशन थे वर्क करना बंद कर दिए हैं। यानी कि उनका VPN तो कनेक्ट है लेकिन उनका डाटा चल ही नहीं रहा है, नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप लोग दोबारा से फ्री इंटरनेट चला सकते हैं VPN की मदद से, क्या अभी आप लोग चला सकते हैं या फिर कुछ और सेटिंग आपको करना। चलिए मैं बताता हूँ आप सभी को। सबसे पहले यार, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि VPN से फ्री इंटरनेट कैसे चला सकते हैं। बहुत लोगों तो ये लगता होगा कि जो VPN नॉर्मल VPN होता है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल होता है, हम उसे इंस्टॉल करेंगे और उससे VPN फ्री इंटरनेट चला पाएंगे। लेकिन मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितने भी सारे VPN एप्लीकेशन सभी से आप लोग फ्री इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। जो भी फ्री इंटरनेट वाले VPN वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। उसमें आपको प्रॉक्सी एड्रेस देने पड़ते हैं, पासवर्ड देने पड़ते हैं, यूजर नेम देने पड़ते हैं, कुछ कोड देने पड़ते हैं, फिर कुछ सेटिंग्स करने पड़ते हैं। आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर इसे फिलअप करने पड़ते हैं, फिर आपका कहीं जाकर फ्री इंटरनेट चलता है। और सभी सर्वर के लिए अलग होता है। यानी कि अगर आप लोग एयरटेल से चला रहे हैं तो उसका कुछ अलग होगा सेटिंग, वी से चला रहे तो उसका सेटिंग अलग होगा, जियो से चला रहे हैं, BSNL चला रहे हैं, तो ये सबका सेटिंग अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। यानी एयरटेल के लिए बहुत सारे सेटिंग आपको दिए थे पहले और उससे फ्री इंटरनेट चल भी रहा था। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि नहीं चला पा रहे लोग फ्री इंटरनेट VPN की मदद से नहीं चला पा रहे। क्या हो रहा है, क्या आप लोग दोबारा चला सकते हैं? चलिए मैं इसी के बारे में वीडियो बताता हूँ कि आप लोग दोबारा से कैसे फ्री इंटरनेट VPN की मदद से चला सकते हैं। और ये जो दूसरा वाला VPN होता है आपका, बस सर्वर चेंज करता है और कुछ भी नहीं करता है। जैसे BGMI बैन था तो वहां पर क्या कर रहे थे लोग, VPN यूज कर रहे थे और BGMI को एक्सेस कर पा रहे थे, या फिर कोई भी साइट अगर बैन है इंडिया में तो उसे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं VPN की मदद से। लेकिन जो फ्री इंटरनेट वाला VPN होता है कुछ डिफरेंट टाइप से वर्क करता है। एक तरह समझ सकते हैं वो एक APN सेटिंग होता है जो उसमें VPN में हम लोग करते हैं। जैसे आपके फोन में APN सेटिंग होता है, आप लोग जब सिम को निकालते हैं फिर दोबारा से अपने फोन में लगाते हैं तो वहां पर एक कॉन्फ़िगरेशन मैसेज आता है, उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर आपका इंटरनेट चलने लगता है। वहां पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैसेज होता है उसमें जो सेटिंग होता है वही सेम उसी टाइप का सेटिंग यहां पर करना पड़ता है। उसमें जो होता है वो नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से दिया गया एक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होता है, वो सेम सेटिंग कर लेते तो आपका इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाता था अगर आप में डाटा है तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेटिंग थे जिसे करने पर डाटा नहीं है भी आपका इंटरनेट चल रहा होता है, ये काम करता है ये वाला VPN। और जो दूसरा VPN है मैंने बताया कि वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो क्या करता है सिर्फ सर्वर को चेंज करता है। तो वो VPN, ये VPN अलग है, मैं पहले बता दूं। अगर उस VPN से आप लोग ट्राई कर रहे थे इंटरनेट फ्री में चलाने का तो बिल्कुल नहीं चलेगा, आप लोग ऐसा मत करिएगा। चलिए मैं इन VPN के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप बहुत सारी लिस्ट भी देख सकते हैं, बहुत सारे VPN आपको मिल जाएंगे जिससे फ्री में इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन उतना मैटर नहीं करता, मैटर उतना करता है कि आपको सेटिंग आती है फिर नहीं आती है। जो भी आप सेटिंग यूज कर रहे हैं क्या वो सेटिंग सही है या फिर नहीं है, क्या वो पुराना नहीं हो गया है। देखिए मैंने बहुत सारे जो भी मेरे वीडियोस हैं उसमें बहुत सारे जो भी सेटिंग है सब ओल्ड हो चुके हैं, उन्हीं सेटिंग पे आप चला रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ, अभी भी नए सेटिंग ऐसे हैं जो कि उस पे भी बंद हो चुका है। तो क्या रीजन है इसका? रीजन तो पहले सब मैं बता दूं कि जब अगर किसी आप लोग एक सिंगल सिम पर बहुत बार VPN से फ्री इंटरनेट यूज किया है, आपने करा रखा है कि आपका मंथ का 2 GB ही मिलता है लेकिन आप लोग यूज कर रहे हैं मंथ में 10 GB 20 GB तक यूज कर ले जा रहे हैं, ऐसे कर ले जा रहे हैं, नहीं पता चल पा रहा था उन्हें, धीरे धीरे करके उन्हें पता चल गया किसी तरह से, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होगा ये बात, कैसे आपको क्या कर दिया होगा कि उस सिम पे आपके लिए ऐसा सुविधा जो भी अलग से कोई भी अगर आप लोग प्रॉक्सी सेटिंग करते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा आपके लिए, ऐसा कुछ कर दिया होगा। आप ही के लिए स्पेशल नहीं, जितने लोगों ने VPN को यूज किया है उन सभी लोगों के लिए ये चीज हो चुकी होगी। इसी कारण से आप लोग इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं जो भी आपका सिम है उस पे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको एक नया सिम लेना है यार। नया सिम लेने के 2-3 महीने बाद आप लोग VPN एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, फिर वहां पर एक प्रॉक्सी सेटिंग करिए, फिर आप लोग इंटरनेट को यूज करिए, देखिए आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये तो पता होगा कि आपको आउटगोइंग आप में होना जरूरी है। इस टाइम तो आउटगोइंग भी महंगा हो गया है, पहले क्या था 49 का रिचार्ज करा लेते थे उसमें आउटगोइंग आपका चालू रहता था और आप लोग VPN से फ्री में इंटरनेट यूज करते थे। लेकिन अभी भी आउटगोइंग चालू रखने के लिए आपको कम से कम 100-150 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा, फिर प्लस में आप लोग VPN यूज कर इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप लोग एक रिचार्ज ही करा लें, क्योंकि VPN का स्पीड बहुत स्लो होता है, जो लोग यूज करते होंगे उन्हें पता होगा। ये मैटर करता है, स्टेट वाइज भी मैटर करता है, अगर आप लोग महाराष्ट्र से हैं या फिर दिल्ली से हैं तो UP से हैं, बिहार से हैं, तो सबके लिए हर एक स्टेट के लिए ये थोड़ा अलग मैटर करता है स्पीड वाला, आपको ये बात पहले से पता होगी। तो यार यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यही आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग सिम को चेंज कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप बहुत लोगों का कमेंट था क्या VPN बैन हो गया? अब यार कैसे बैन हो सकता है, वो जितने बैन साइड होते हैं उनको खुद वो चलाता है, उसे बैन करना इतना आसान नहीं होगा। जैसे क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकता किसी भी कंट्री में, ठीक उसी प्रकार VPN को भी बैन करना उतना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सुनने में आगे होगी कि VPN क्यों नहीं चल पा रहा है और फिर कैसे चला सकते हैं आप लोग अभी VPN को। तो वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, अगर मेरे चैनल पर नए हैं फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तक लिए बाय बाय।